जुबान पर की। हम आपको अवगत करना चाहते हैं कि इस समय पेट्रोल डीजल एवं गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ोतरी सरकार द्वारा किए जाने एवं देश में अन्नदाताओं किसानों की मांगे न मानने तथा सरकार द्वारा अपनी कर्तव्यपूर्ण रवैया अपनाने के जाने से देश की जनता बहुत परेशान है। इसलिए जनहित में आज दिनांक 4/3/21 को जिला कांग्रेस कमेटी सेवादल के अध्यक्ष डॉक्टर दत्तराम गंगवार के नेतृत्व में अम्बेडकर पार्क नवाबन से कांग्रेसी लोग एकत्र होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नवाबन को ज्ञापन इस आशा का दे रहे हैं कि तत्काल देश में पेट्रोल डीजल व गैस आदि की कीमतें कम की जाए तथा किसानों के खिलाफ पास किए गए कृषि बिलों को तत्काल वापस लिया जाए एवं गरीब जनता के हित में ये भाजपा सरकार अच्छा कदम उठाए। गरीबों का शोषण बंद किया जाए एवं घटित हो रही गंभीर घटनाओं अपराधों पर अंकुश किया जाए। इस प्रदर्शन के मौके पर निम्न लोग उपस्थित थे। चाह रहे हैं कि जिस तरह से इसमें महंगाई बढ़ रही है भाजपा के सरकार में, और जिस तरह से कांग्रेस कमेटी में एक बार जब गैस पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो स्मृति ईरानी जी ने चूड़िया भेंट की थी, उसी प्रकार से अगर इस गैस पेट्रोल डीजल और अन्य चीजों पे जो महंगाई कम नहीं होगी तो हम लोग भी, हम महिला जो हैं सब लोग मिलके और मोदी जी को ये चूड़िया भेंट करेंगे और दोबारा से फिर से प्रदर्शन करेंगे। शेर खान जी, आज प्रदर्शन हो रहा है, किन मामलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैंने घर घर में गैस पहुंचाई है और घर घर तक बिजली पहुंचाई है और गांव तक पहुंच गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ये कभी नहीं बताते कि आज सिलेंडर के रेट तेगने कर दिए हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि हमने लाइट दी है, हर गाँव तक आज लाइट पहुँच चुकी है, लेकिन उसका बिल हमेशा से दुगना आता है, चौगना पचौगना बिल आ रहा है। आज तो आम जनता इस बीच में पिसती जा रही है और उसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी तो मैदान में है किसानों के लिए और आम जनता के लिए, और लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे और कर रहे हैं। जय मुख्तार जी, जानना चाहेंगे आज आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, गैस के जो नारे लग रहे हैं, क्या वो नारे हैं और क्या समस्याएं हैं आपकी? जी, मैं मुख्तार अहमद, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी। प्रियंका गांधी जी बहन के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में एक जो मुहिम चलाई जा रही है, तेज रेट गैस और दाम जो बढ़ाए गए हैं उस पर, तो जिला कार्यालय की तरफ से मुझे सूचित किया कि नवाबगंज में अपने तहसील गृह में जाके प्रदर्शन करना है, सफल बनाना है। सबसे बड़ी बात कि जब स्मृति ईरानी जी जरा से रेट के दाम 250 सिलेंडर हुआ करता था तो चूड़िया भेंट करती थी, ये आज हमारा चैलेंज है। अगर इस तरह के अगर प्रधान जी अपने सचेत नहीं हुए पक्ष से रहने पहले, तो ये हमारी मातृशक्ति प्रधानमंत्री को चूड़िया भेंट करेंगी। आने वाले टाइम में हम वो कर दिखाएंगे जो उन्होंने अब तक हमारे जनता के साथ जो छलावा करा है, हम जन जन तक वो आवाज पहुँचा रहे हैं। अब इनकी जितनी भी उन्होंने जो झूठे आश्वासन दिए, झूठे वादे दिखा के हमें लूटा है, छला है, अब इनकी नहीं चलने वाली है। अब इनके ये बकार में नहीं रहने वाले हैं, इन्हें उतरना चाहिए, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हम जन जनता के ये पहुंचाएंगे। देखिए, जैसे सोच बनाइए, जबकि कांग्रेस की कई स्टेटों में सरकार होने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी अपनी आराम की जिंदगी जी सकते हैं, मगर वो अपना सबको छोड़ के हम लगे हुए हैं, कांग्रेस साथ लगी हुई है, दिन रात धक्के खा रही है। और एक अखिलेश सरकार है जो बैठी हुई है, मस्ती कर रही है, विदेशों में हैप्पी बर्थडे मना रही है। कहते हैं मुसलमान लोग साथ आते हैं, कुछ नहीं है, बकवास है, झूठ छलावा है। साथ आइए, कोई फिर आवाज नहीं उठा रहे हैं। जब वो सपा सरकार कोई आवाज उठाने की कोशिश करती है तो फाइल दिखा देती है भाजपा सरकार, देखो तुम्हारे खिलाफ 1 लाख करोड़ का घोटाला है, इसलिए वो दब जाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं वास्तव जनता से जनता जुड़े, तो और भी सरकारें मिलकर और जो रह चुकी है पुरानी पार्टियां वो साथ में होकर विरोध करे, तभी इन नापाक इनके इरादों से हम जीत पाएंगे। वरना हम कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी मजबूती से दमखम से पेट्रोल डीजल वृद्धि के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक सांस है। जैसे हमारे इंदिरा गांधी जी ने एक बूंद अपनी खून के दे दी, राजीव गांधी ने एक बूंद दे दी, हम सब कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, थे और है, रहेंगे। अपने एक एक बूंद से अपने हिंदुस्तान को निर्माण करके सुरक्षित संगठन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। वकील साहब, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला बताइए? आज जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, उसमें जो भाजपा की तानाशाह सरकार है, उन्होंने डीजल पेट्रोल और गैस के दाम में इसमें बेतहाशा वृद्धि कर रखी है। पूरे भारत में, हिंदुस्तान में तरह तरह मची हुई है और गाड़ियां जो है लोग घरों में खड़ी कर रहे हैं और इस तरह की बहुत समस्या हो गई है। इन्होंने जो है लालच दिया था मोदी जी ने कि उज्ज्वला के अंतर्गत जो सिलेंडर बांटे थे, आज उसका पूरा जो है जी अपना उसका वो देखा जोखा सब पूरा कर रहे हैं। इतना महंगा कर दिया, सब्सिडी कमा रही है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग जो है आईडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे महामहिम को ज्ञापन जाएगा और हमारे कांग्रेस की तरफ से ये मांग है कि डीजल पेट्रोल और गैस के दाम तत्काल कम किए जाएं और जो किसानों की जो बिल पास किए किसानों के खिलाफ, वो तीनों बिल को वापस लिया जाए और हमारे किसानों के सम्मान की रक्षा की जाए। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते तब आपका क्या एक्शन होगा? हमारा एक्शन पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन हमारे राहुल जी प्रियंका जी लगातार किसानों के हित में और जो कृषि बिल जो गलत पास किए उनके खिलाफ आवाज उनके खिलाफ कर रहे हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए और हमारे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका पूरा समर्थन है और रहेगा।